बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से आज की सबसे बड़ी टिप्स के साथ हाजिर हैं। ये सिर्फ मेरी बहनों के लिए टिप्स बताई जा रही हैं, क्योंकि उनके बहनों का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था और बहुत सी बहनें इस मसले में परेशान हैं। तो कोशिश की गई है कि ये परेशानी किसी भी तरह हम खत्म कर सकें। आज जो मैं आपको टिप्स बताने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त है कि चेहरे के बालों को जो मतलब कि चेहरों के बाल क्यों नहीं खत्म होते और उनको कैसे खत्म किया जाता है। आपने सिर्फ दो चीजें लेनी है, नींबू जिसको लीमू भी कहते हैं, लेमन भी कहते हैं। आपने लेना है लीमू, लेकर आपने थोड़ा सा लीमू का अरक निकालने अच्छी तरह उसको कपड़े छान करके सिर्फ पानी आप इस्तेमाल करें, सिर्फ पानी। उस लीमू के अंदर थोड़ी सी फटकरी, देखिए अगर आप 4 चम्मच लीमू का पानी लेते हो तो आधा चम्मच फटकरी डाल लो और बालों को उखेड़ लो अच्छी तरह। बालों को उखेड़ने के बाद उनकी जड़ों में इसको भर दो, लीमू को जड़ में भर दो। तो एक तो ये मॉइस्चराइजर की तरह होगा, जैसे एक टोनर होता है तो ये टोनर की तरह आपका काम करेगा, लेकिन जड़ों में जाकर जो भी बालों का जरासीम होगा उसको लीमू अपनी खटाई से और फटकरी अपने बेनिफिट से, तो आपको पता है बहुत ही लाजवाब है, अल्लाह पाक की रहमत और नेमत है। तो आपने फटकरी को भी साथ रखना है और आपने जो है उसको अपने जड़ों के अंदर लाजमी करना है, ताकि लीमू जड़ों में जाकर जड़ों को जलाए और उसका जरासीम खत्म करे। फटकरी जो है खटाई होती है फटकरी में भी और लीमू में भी, दोनों फिर जड़ों में जाएंगी और फिर उनका जो मतलब के हिस्सा है वो उसको खत्म कर देंगी, वहां पे बाल दोबारा। अगर आप एक दफा करके छोड़ देते हो, मतलब कि आप इतनी मेहनत करते हो चेहरे के बाल करते हो फिर उसको छोड़ देते हो और एक दफा ही लगाते हो, फिर इसका कोई फायदा नहीं है। कम से कम 3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा जरूर लगाएं, तो इंशाल्लाह आपका बालों का जो बहुत बड़ा मसला था वो खत्म हो जाएगा। एक दफा इस्तेमाल करके देखें फिर आप बताइएगा। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।